क्या आपने भी अपने सारे पैसे को एक ही बास्केट में रखा है? रुकिए, अभी बताती हूँ आप कैसे बन सकते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर। लेट्स से आपने अपने सारे पैसे एक ही स्टॉक या एसेट क्लास में इन्वेस्ट करे हैं और वो स्टॉक या एसेट क्लास गिर जाता है तो आपके पूरे पोर्टफोलियो की वैल्यू भी गिर जाती है। Hence, diversification is the key. Let's see how to use it. First, different asset classes में invest करे, like stock, bond, gold, real estate. अगर एक asset class perform नहीं करेगा तो दूसरा उसको balance out कर लेता है. Second, sector diversification भी consider करे. Same industry के stocks मत खरीदे. Tech के अलावा health care, finance और energy sectors को भी consider करे. Third, कंपनी डाइवर्सिफिकेशन मत भूलिए। अपने फंड्स को अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करिए ताकि अगर एक कंपनी परफॉर्म नहीं करती है तो दूसरी कंपनी से आप अपने लॉसेस रिकवर कर सकते हैं। फोर्थ, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। इंडियन मार्केट्स तक ही अपने इन्वेस्टमेंट सीमित ना रखें। ऑल्सो थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग इन द ग्लोबल मार्केट्स। लेकिन ये सब करने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपने गोल्स को प्लान करें। प्लानिंग आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से होनी चाहिए। पहले ये सोचिए कि आप स्लो और स्टेडी ग्रोथ चाहते हैं या क्विकर रिटर्न्स, और ये भी डिसाइड करें कि आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म। फिर ये भी देखिए कि कौन सा एसेट टाइप और साइज आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए सही है। फाइनेंशियल डिपेंडेंसीज और कमिटमेंट्स को भी ध्यान में रखें। जब आप अपनी गोल्स क्लियर कर लेते हैं तो अपने पोर्टफोलियो को इफेक्टिवली डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और याद रहे, हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन से आप काफी हद तक उस रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ही वैल्यूएबल टिप्स के लिए कीप फॉलोइंग यस सिक्योरिटीज चॉइस ऑफ द वाइज। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।